और चलिए उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की है और मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड खुले बाजार से हर साल 1000 करोड़ रुपए की बिजली खरीदता है। उत्तराखंड लगभग 25,000 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन कर सकता है, लेकिन अभी सिर्फ 4,200 मेगावाट क्षमता का ही दोहन हो पा रहा है। मुख्यमंत्री ने अलकनंदा और साथ ही भागीरथी में 50% बनाई जा चुकी 7 परियोजनाओं का मामला उठाते हुए कहा कि इनके निर्माण की अनुमति दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संस्थान मंत्रालय द्वारा राज्य की अन्य नदी घाटियों धौली गंगा, गौरी गंगा और साथ ही गंगा और साथ ही उसकी सहायक नदियों पर प्रस्तावित परियोजना के विकास के लिए भी अप्रूवल नहीं दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने जमरानी बांध परियोजना, लखवाड़ बहुउद्देश्य परियोजना का भी मामला उठाया। सीएम ने इन परियोजनाओं के रास्ते में आ रही अड़चनों को भी जल्द दूर करने का आग्रह किया है। दिल्ली दौरे से पहले देहरादून में सीएम धामी ने जलागम विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें राज्य की 2 नदियों को चिन्हित करने और साथ ही उसको फिर से जीवित करने के निर्देश दिए गए। सीएम ने कहा कि इनमें से 1 नदी गढ़वाल मंडल और साथ ही 1 नदी कुमाऊं मंडल से चुनी जाए। इसके अलावा सीएम धामी ने कहा कि जंगल की आग को देखते हुए छोटे छोटे तालाब बनाए जाए, इनमें लोगों की भी मदद ली जाए। सीएम ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ ही लोगों के रोजगार पर भी फोकस किया जाए। जलागम विभाग हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। आज हम जलागम के अंतर्गत जो सारा का गठन किया गया है, उसके माध्यम से बहुत सारे हमारे स्रोत जो सूख गए हैं, धारे, नौले, गाढ़, गधेरे, उन सबका फिर से उनको रिचार्ज किया जाए, उनको पुनर्जीवित किया जाए। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक्स में कमाल का प्रदर्शन किया है। भारत की झोली में नीरज चोपड़ा ने एक और मेडल दिलाया है। भाला फेंक कर नीरज चोपड़ा से चूक हो गई, लेकिन सिल्वर मेडल उन्होंने अपने नाम कर लिया और नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिलने पर सीएम धामी ने बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बधाई देते हुए लिखा कि पेरिस ओलंपिक 2024 में मां भारती के लाल नीरज चोपड़ा जी को भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में रजत पदक अर्जित करने पर हार्दिक बधाई। इसके साथ ही भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में स्पेन को 2-1 से हराकर ओलंपिक में लगातार दूसरा ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारत को हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल मिलने पर सीएम धामी ने बधाई दी और उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर बधाई देते हुए लिखा कि पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य जीतने पर हार्दिक बधाई। आप सभी खिलाड़ियों ने अपनी बेहतरीन खेल प्रतिभा से प्रत्येक देशवासी को गौरवान्वित किया है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हॉकी टीम को बधाई दी, साथ ही नीरज चोपड़ा को भी उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके बधाई दी है। उत्तराखंड पर एक बार फिर से आपदा का संकट मंडरा रहा है, क्योंकि अगले 5 दिन तो भारी बारिश होने वाली है, लेकिन उसके ठीक बाद यानी कि 15 अगस्त के बाद में भारी से भी बारिश का रेड अलर्ट किया गया। पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मानसून सीजन में 1 जून से अब तक करीब 2 महीने में प्रदेश में सामान्य बारिश हुई है, लेकिन अब धीरे धीरे मानसून के उत्तराखंड की ओर शिफ्ट होने से बारिश की रफ्तार भी तेज होने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 9 और 10 अगस्त को देहरादून, चमोली, पिथौरागढ़, नैनीताल, यूएस नगर और बागेश्वर में भारी बारिश हो सकती है, जबकि बाकी जिलों में बारिश सामान्य होगी। इसके बाद 11 अगस्त से बारिश में तेजी देखने को मिलेगी। बागेश्वर, चमोली, देहरादून में भारी बारिश तो वहीं नैनीताल, चंपावत, यूएस नगर और उत्तरकाशी में भी तेज बारिश होगी, जबकि 12 और 13 अगस्त को मौसम सामान्य रह सकता है, लेकिन बारिश का असली कहर 15 अगस्त के बाद देखने को मिलेगा।
पूरे राज्य में 15 से 20 अगस्त तक भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। देखेंगे फिर जो पूरा फ्लो एक तरह से ऊपर आ जाता है फुटहिल के अलोंग जो है और बे ऑफ बंगाल साइड से भी फ्लो आएगा, तो मैं समझता हूँ कि फिर उस समय 15-16 के बाद जो 15-16 से आप देखेंगे जो एक्टिविटी है वो थोड़ी और बढ़ेगी, तो वेरी हैवी रेन से 15-16 से और पूरे राज्य में अच्छी बारिश जो है हल्की से मध्यम से ज्यादातर जगहों में मिलना जो है, तो इस तरह की स्थिति वो दिख रही है। अब तक इस सीजन में बागेश्वर में सबसे ज्यादा बारिश हुई है जो कि सामान्य से काफी ज्यादा है, जबकि पौड़ी जिले में सामान्य से 50% कम बारिश हुई है। तो ऐसे में अगले 10 से 12 दिन प्रदेश में लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ सकती है, तो वही नदी नालों पर भी उफान आ सकता है। इसे लेकर पूरे प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। कोटद्वार से सटे उत्तर प्रदेश के बगनाला, शाजापुर, प्रेमनगर समेत कई गांवों के किसान इन दिनों जान का जोखिम उठाकर कोटद्वार पहुंच रहे हैं। दरअसल इसने इलाके से पाखरू जाने के लिए बीच में खो नदी को पार करना पड़ता है। पाखरू से सटे बॉर्डर एरिया में रहने वाले किसानों के लिए कोटद्वार की सब्जी मंडी ही नजदीक का सबसे प्रमुख बाजार है और जहां पर वो अपनी सब्जियां बेच सकते हैं, लेकिन खो नदी के उफान पर आने के चलते किसान अपनी जान हथेली पर रखकर उफनती नदी को पार करने को मजबूर हैं। खेतों में अपनी मेहनत बर्बाद ना हो इसके लिए सिर पर सब्जियों के कट्टे रखकर उफनती नदी को पार कर किसान कोटद्वार पहुंचते हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जीवन अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग का, कहाँ जाना है? प्रेमनगर भूमिदान गांव से आ रहे हैं जी। हाँ, कोटद्वार जा रहे हैं। तो रोज इसी तरीके से रोजाना ऐसे हालात बुरे हैं, पानी जिस दिन रुक जाएगा उसी दिन रुक जाना पड़ा, नहीं निकलना पड़ा भैया जी, ज्यादा बुरा हाल है, क्या करें। और ज्यादा जानकारी के साथ में अनुपम भारद्वाज जुड़ गए हैं लाइव। अनुपम, बताइए अभी मौजूदा हालात आप क्या देख पा रहे हैं, क्या प्रशासनिक टीम की तरफ से कोई वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं ताकि किसानों को आसानी हो सके, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं ऐसे में किसान जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। देखिए ये बिल्कुल ये हालात उस दिन के हैं जिस समय बारिश जब आती है तो हालात यही बन जाते हैं। आज मौसम थोड़ा साफ है, बारिश नहीं हो रही है तो हालात थोड़ा सा सामान्य हो जाता है, क्योंकि जो खून नदी का जो पानी है उसका जलस्तर कम हो जाता है तो आसानी रहती है लोगों को उत्तराखंड में आने में। लेकिन जैसे ही पहाड़ों पर बारिश होती है तो जो खून नदी है वो अपने उफान पर होती है, चरम पर होती है, और ऐसे में पूरा संपर्क जो पूरे जो इलाके के जो लोग हैं, क्योंकि हालांकि वो उत्तर प्रदेश के इलाके के लोग हैं लेकिन उनके जो जीविका है वो उत्तराखंड से चलती है, यानी कि जो किसान है वो सब्जियां उगाते हैं या अन्य जो सामग्री उगाते हैं उनको बेचने के लिए उनको मार्केट उत्तराखंड में उपलब्ध होता है और उनका रोजाना का आना जाना है, चाहे वो दूध का मामला हो क्योंकि दूध की जो सप्लाई है उनकी, उसके लिए भी उनको कोटद्वार आना पड़ता है, यहीं पे उनको ग्राहक उनके है, सब्जियों के मामले में हो और या अन्य जो धान वगैरह है जो खेती होती है वो भी सब यहीं आते हैं उत्तराखंड में। तो लेकिन जैसे ही ये जो बारिश जब पहाड़ों पर होती है और खून नदी अपने उफान पर होती है तो वहाँ पर कोई पुल नहीं है, तो ऐसे में जब वो पुल नहीं होता है तो लोगों को, क्योंकि सब्जी एक या दो दिन के बाद फिर खराब हो जाती है, ऐसे में जो मेहनत है उनकी वो खराब ना हो इसके लिए वो उफनती नदी, जैसे हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि किस तरीके से वो अपने सरों पर कट्टे रख के यहाँ पे नदी पार करने को मजबूर है और आते हैं। ऐसे नहीं है कि वो रोजाना ये जैसे ही उफान पर होती है वो ये नहीं देखते, क्योंकि मेहनत उसके पीछे काफी लगी हुई है तो उनको आना पड़ता है, वो एक मजबूरी सी उनकी है और एक नहीं दो नहीं बल्कि दर्जनों लोग इसी तरीके से नदी को पार करते हैं और फिर सने के रास्ते उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं। तो एक पुल की लंबे समय से एक मांग वहां पे चल रही है कि वहां पे पुल का निर्माण किया जाए, लेकिन किन्हीं कारणों से अभी फिलहाल पुल का मामला रुका हुआ है, लेकिन देख सकते हैं कि खतरा कितना इंसानी जान पे बना हुआ है उसमें। जी, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया अनुपम आपका। और नैनीताल में पानी के मीटर बने सिरदर्द, पानी के बिलों से लोग परेशान हो गए हैं, पानी की कटौती जारी है और साथ ही बिल पर भी भारी संकट बना हुआ है। नैनीताल शहर में लगे 9000 पानी के मीटर, जिसको लेकर पानी के मीटरों पर अब सवाल भी उठने लगे हैं। जल संस्थान भी इन मीटरों को लेकर परेशान है, शासन को मीटर बदलने के लिए पत्र भी लिखा है। और जरा जानकारी के साथ में वीरेंद्र विश्व जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, ये मीटर को लेकर क्या मामला सामने आ रहा है जिसको लेकर लगातार लोग अपनी परेशानी का इजहार भी कर रहे हैं, क्या है ये मामला? देखिए अमनदीप, जिस तरह से जो एडीबी ने काम किया था
तो उसके तहत शहर में कुल 9000 मीटर लगाए गए थे और इन 9000 जो मीटर हैं ये सरदर्द बन गए हैं। करीब 3 से 5 हजार या 10 हजार तक के बिल जो स्थानीय लोग हैं उनके आ रहे हैं और काफी परेशान इन बिलों को लेके हो गए हैं। हालांकि कई बार सरकार से शासन से इस बात को लेके शिकायत भी की गई थी कि जो बिल हैं वो अचानक बढ़ रहे हैं और इनसे बड़ी परेशानी बन रही है। हालांकि जल संस्थान ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि जो बिल है जो मीटर है वो काफी गलत है और उनमें हवा का अगर स्पेस भी बन रहा है तो उससे भी ये मीटर चल पड़ रहे हैं। इसके चलते ये जो भारी भरकम बिल हैं ये लोगों तक पहुंच रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 3-4 सालों में जिस तरह से नैनीताल में पानी की लेके रोस्टिंग हुई है, पहले दिन भर पानी मिलता था, अब सुबह शाम ही लोगों को पानी मिल पा रहा है, तो उस वजह से भी लोग काफी परेशान है क्योंकि पानी की कटौती इतनी ज्यादा कर दी गई है कि जो 16 MLD पानी आमतौर पर पूरे शहर में सप्लाई किया जाता था वो 8 या 7 MLD तक लेके आ गया है। उसके बावजूद भी जो बिल हैं वो इस कदर आ रहे हैं, 5000, 10000, किसी किसी के तो 30000 से 40000 तक के ये बिल आ रहे हैं। हालांकि इस बात को लेके जो जल संस्थान है उनसे हमारी बातचीत हुई थी, उनका ये कहना था शासन को इसके लिए पत्र लिखा गया है और इन जो मीटर हैं इनको रिमूव करके जो नए मीटर हैं उनको इसमें डाला जाएगा ताकि जो जनता है आमतौर पर जो बिलों को ठीक कराने पहुंच रही है, जिन बिलों से लोग परेशान हैं उनको ठीक कर दिया जाए। लेकिन सवाल इस बात को लेके भी है जो ADB ने अपने काम किए थे और उन कामों में इन मीटरों को लगाया गया था और इनकी जांच इससे पहले क्यों नहीं की गई, क्योंकि अब जो मीटर हैं वो करीब 9000 पूरे शहर में लगा दिए गए, उसके बावजूद अब ये बात सामने आ रही है कि ये मीटर ही गलत हैं, तो नए मीटरों को लेके भी अब जो जल संस्थान है वो नए मीटर खरीदने की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ा भ्रष्टाचार भी सामने आ रहा है कि बिना जांचे बिना परखे इन मीटरों को पूरे शहर में ठोक दिया गया और उसके बाद अब ये स्थिति आ रही है कि जो मीटर है उनको खराब माना जा रहा है। तो आखिरकार गलती किसकी है, कौन अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं, किन अधिकारियों के सामने ये लगाए गए हैं, तो ये बड़े सवाल हैं कि आखिर इस लापरवाही के पीछे जिम्मेदार कौन है। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और अल्मोड़ा के सल्ट में विधायक महेश सिन्हा और साथी बीजेपी नेता हंसा नेगी के बीच में उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। साल भर से बीजेपी के दोनों नेता एक दूसरे के खिलाफ आग उगल रहे हैं। यही नहीं, इनके बीच में जारी लड़ाई की ऑडियो क्लिप भी जमकर वायरल हो रही है और अब बीजेपी नेताओं की जंग पुलिस की दहलीज तक पहुंच गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीजेपी नेता हंसा नेगी कभी कांग्रेस के झंडाबरदार हुआ करते थे, लेकिन वक्त ने ऐसी करवट बदली कि ये बीजेपी में शामिल हो गए। सल्ट के पूर्व विधायक दिवंगत सुरेंद्र जीना से इनकी करीबी जग जाहिर रही। सुरेंद्र जीना के निधन के बाद हंसा नेगी विधायक महेश जीना के भी काफी करीब रहे, लेकिन साल भर से दोनों के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। हालात ये है कि हंसा नेगी ने विधायक महेश नेगी के खिलाफ सोशल मीडिया में मुहिम छेड़ी हुई है। कभी जिगरी दोस्त रहे दोनों बीजेपी नेता आज एक दूसरे के खिलाफ आग उगल रहे हैं। मेरे बेटे को उसके द्वारा फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है, तो उसके द्वारा इसमें उसके खिलाफ FIR दर्ज की गई है और मैं प्रशासन से भी अनुरोध करता हूं कि जिस प्रकार इसको पहले जिला बदर किया गया था, इसे फिर पुनः इसकी फाइलों के बारे में सोचा जाए और इसको दोबारा क्षेत्र से जिला बदर किया जाए। जिस मोबाइल से उनको धमकी दी गई है उस मोबाइल नंबर को फेसबुक पे डालें, पत्रकारों को दें और क्या क्या ऑडियो रिकॉर्डिंग हुई है वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी दें। अगर मेरी गलती है मेरे को जो सजा देंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। और इन्होंने मेरे साथ परसों PWT में जो घटना की है, 150 लोग हरियाणा से ला के मेरे को पीटने की साजिश करी थी। विधायक महेश जीना की माने तो हंसा नेगी फोन पर उनके बेटे, पत्नी और उन्हें लगातार धमका रहे। विधायक के बेटे ने हंसा नेगी के खिलाफ बतरौज खान थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है, जबकि हंसा नेगी ने विधायक पर हरियाणा के गुंडों की मदद से मारपीट के आरोप लगाए हैं। बीते दिनों भी दोनों के बीच रानीखेत में जमकर बवाल हुआ था। दोनों नेताओं की जो ऑडियो क्लिप वायरल भी हो रही है उसमें दोनों नेता एक दूसरे को इस कदर गाली गलौज कर रहे हैं कि वो आपको सुनाने लायक भी नहीं है। सल्ट विधायक जी की तरफ से एक तहरीर थाना बतरौजखान में दी गई है, जो कि तहरीर धमकी दिए जाने के संबंध में है, जिस पर थाना बतरौजखान में मुकदमा पंजीत करके उस पर आगे की कार्रवाई। बीजेपी नेताओं के बीच मचे इस गदर से पार्टी का अनुशासन भी तार तार हो रहा है। साल भर से दोनों नेताओं के बीच जारी युद्ध सार्वजनिक है, बावजूद इसके सब कुछ जानकर भी पार्टी हाईकमान अनजान बना हुआ है। अब देखना यह कि पार्टी नेतृत्व कोई ठोस कदम उठाता है या फिर सब कुछ यूं ही चलते रहना है। न्यूज 18 के लिए विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।
और दिल्ली में गुरुवार को उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं की बैठक हुई। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के नेतृत्व में मीटिंग ली गई, जिसमें प्रदेश प्रभारी ने निकाय चुनाव की तैयारी के निर्देश दिए। साथ ही संगठन की प्लानिंग और साथ ही केदारनाथ उपचुनाव पर भी मीटिंग में चर्चा की गई। मीटिंग के बाद भी कांग्रेस नेता गणेश गुदियाल ने कहा कि प्रदेश प्रभारी के निर्देशों पर काम किया जाएगा। अब जो आसन निकाय के चुनाव है उसके संबंध में संगठन को उन चुनाव में किस प्रकार से कार्य करना है इसके संबंध में, और केदारनाथ जो उपचुनाव है इसके संबंध में जो उनके निर्देश हैं उन निर्देशों से निश्चित रूप में उत्तराखंड की कांग्रेस हमारी पार्टी लाभान्वित हुई है, और उनके ये निर्देश निश्चित रूप में हमें उस लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेंगे जिन लक्ष्यों को हमें निर्धारित करने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं। सीएम धामी ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को बड़ा कदम बताया है। उन्होंने कहा कि बहुत सारी संपत्तियां अवैध रूप से कब्जा की गई हैं। सीएम ने कहा कि विपक्ष सिर्फ विरोध का काम करता है। उन्होंने आगे कहा कि हमने उत्तराखंड में अवैध कब्जे को लेकर अभियान चलाया और बरसात के बाद उसे फिर से चालू किया जाएगा, अवैध कब्जे को हटाया जाएगा। बोर्ड में बहुत सारे मामले ऐसे आए थे कि बहुत सारी संपत्तियां उसमें हड़पी जा रही हैं, बहुत सारे मामले इस प्रकार के विवादित आए थे, और संसद में अभी बिल आने से जब भी ये बिल पारित होगा तो निश्चित रूप से जो इस प्रकार की शिकायतें हैं, इस प्रकार की अनियमितताएं हैं, उन पर रोक लगेगी। कि इस समय बरसात मानसून होने के कारण से अभी इस मानसून के बाद फिर से ये अभियान चलेगा। अभी तक 5000 एकड़ जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई जा चुकी है। केदारनाथ धाम की यात्रा को फिर से चलाने का भले ही ऐलान हो चुका हो, लेकिन खराब मौसम के चलते इसमें मुश्किलें आ रही हैं। सरकार की तरफ से हेली टिकट पर 25% की छूट दी गई है, तो पैदल रूट पर भी तेजी से काम हो रहा है। उम्मीद है कि मौसम ठीक होते ही यात्रा फिर से रफ्तार पकड़ेगी। इकतीस जुलाई को केदार घाटी में आई आपदा से छोटी लिंचोली, भीमबली, रामबाड़ा समेत करीब 10 जगहों पर पैदल रास्तों को भारी नुकसान हुआ है। आलम यह है कि यात्रा रूट पर सोनप्रयाग से गौरीकुंड मोटर मार्ग पर 3 जगह लैंडस्लाइड के चलते रोड ही वॉश आउट हो गई। साथ ही गौरीकुंड से केदारनाथ तक पैदल रूट भी जबरदस्त प्रभावित हुआ है। अब सभी तीर्थयात्रियों को निकालने के बाद हवाई रूट से केदारनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है, तो वहीं पैदल रूट बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। सीएम धामी का भी कहना है कि मौसम ने साथ दिया तो जल्द सब कुछ ठीक होगा। जल्दी से जल्दी यात्रा को चलाना हमारी प्राथमिकता है। हेली के माध्यम से यात्रा शुरू हो गई है, और इसके बाद जो पैदल यात्रा है वो उसको चलाने के लिए, क्योंकि मौसम खराब होने के कारण से कई बार काम होने में दिक्कत हो रही है, निर्माण कार्य नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन मौसम जैसे ही ठीक होता है युद्ध स्तर पर काम होगा। सभी विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जल्दी से जल्दी यात्रा कर रहे हैं। केदारपुरी की आपदा में सड़क निर्माण के लिए और आपदा में बहे दो पुल तैयार करने के लिए आर्मी की मदद ली गई है, जिससे पैदल रूट बनाने का सामान भी ले जाने में आसानी हो। सरकार ने सभी विभागों को पैदल रूट खोलने के लिए 15 दिन का टारगेट दिया है। पहली प्राथमिकता हमारी कवर हो चुकी है, जहाँ पे लोगों को सकुशल निकालना था। अब सेकंड प्राथमिकता हमारी यात्रा को जल्द से जल्द शुरू करने का है। कोशिश हमारी यही है कि 10 से 15 दिन का हमने समय दिया है अधिकारियों को। सारे हमारे, चाहे वो कमिश्नर गढ़वाल हो, हमारे पीडब्ल्यूडी सचिव हैं, हमारे आपदा सचिव, 12 से 15 दिन का हमने समय दिया है कि जल्द से जल्द जो यात्रा मार्ग है उसको ठीक किया जाए। आपदा के बाद केदारनाथ यात्रियों को सुरक्षित निकालना चुनौती थी, जिसे पूरा कर लिया गया, और अब जल्द से जल्द रास्तों को ठीक करके केदारनाथ यात्रा के पैदल रूट को चालू करने पर फोकस है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। अल्मोड़ा की ऐतिहासिक जेल 1872 में अंग्रेजों ने बनाई थी। अगस्त क्रांति की प्रमुख गवाह ये जेल भी रही थी, जहां नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत से लेकर कई स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। इस जेल को अभी तक राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया गया है, जिसे लंबे समय से मांग भी की जा रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, इसी से जुड़ी हुई। आ
आजादी की लड़ाई में अल्मोड़ा आंदोलनकारियों का मुख्य केंद्र रहा है। यहाँ की जेल में प्रमुख आंदोलनकारियों को अंग्रेजों द्वारा बंद किया गया। जवाहरलाल नेहरू दो बार इस जेल में बंद रहे। नेहरू ने अपनी बुक मेरी आत्मकथा के कुछ अंश भी इसी जेल में लिखे हैं। नेहरू की चारपाई, कुर्सी, चरखा, खाने के बर्तन जेल के नेहरू वार्ड में आज भी रखे हैं। इस ऐतिहासिक जेल में पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, दुर्गा सिंह रावत, सैयद अली जहीर, आचार्य नरेंद्र देव, सरला बहन, विष्णी देवी आदि यहाँ पर निरुद्ध रहे हैं। नेहरू वार्ड को कई सालों से पर्यटकों के लिए खोलने की योजना वर्षों से फाइलों में दौड़ रही है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो सका है। इस जेल को लंबे समय से राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग की जा रही है। अब यहाँ के विधायक ने एक बार फिर से इसे स्मारक बनाने की मांग की है। पुनः हमारी मांग है कि वास्तव में उसके राष्ट्रीय उसके महत्व को देखते हुए उन महापुरुषों की स्मृति में उसको निश्चित रूप से सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना चाहिए और एक भव्यता के साथ भविष्य में उस कार्यक्रम को आयोजित करना चाहिए। आजादी से जुड़ी इस ऐतिहासिक जेल को एक पर्यटक स्थल बनाने की मांग काफी समय से की जा रही है, लेकिन ना तो ये जेल स्मारक बन सकी और ना ही इसके नेहरू वार्ड को पर्यटकों के लिए खोला जा सका। अल्मोड़ा से न्यूज 18 के लिए किशन जोशी की रिपोर्ट। यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज 18।